और कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटे की मौन साधना कर रहे हैं। समुद्र के बीच में बने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान कर रहे हैं। रॉक मेमोरियल से प्रधानमंत्री मोदी के साधना की एक वीडियो भी सामने आई है, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। वही अब ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और ये ध्यान के दौरान की वीडियो देखिए, एक्सक्लूसिव वीडियो। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ ध्यान से पहले की तस्वीरें भी आपके सामने और ये ध्यान के दौरान की तस्वीरें। 45 घंटे तक लगातार प्रधानमंत्री ध्यान करेंगे और साथ ही इस दौरान सिर्फ ध्यान करेंगे, उसके बाद में मौन व्रत भी रखेंगे और ये तस्वीरें हम आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं। तो ये एक कठिन तपस्या है जिसमें प्रधानमंत्री ने अन्न का त्याग कर दिया है और साथ ही इस दौरान सिर्फ नारियल पानी और साथ ही फ्रूट्स ही खाएंगे, इसके अलावा अन्न का सेवन नहीं करेंगे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पहले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचे थे, विवेकानंद की प्रतिमा पर पहुंचकर उन्होंने नमन किया, उसके बाद में समुद्र के तट की तस्वीरें भी आपके सामने। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको वो दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में लीन है। 45 घंटे तक पीएम का ये ध्यान चलेगा और उसके बाद में मौन व्रत भी है और सिर्फ लिक्विड डाइट ही प्रधानमंत्री लेंगे। तो प्रधानमंत्री 45 घंटे तक अध्यात्म की राह पर चलेंगे। तो कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना जारी है और 6:45 पर ध्यान शुरू हो गया था कल, जिसके बाद में 1 जून की शाम तक प्रधानमंत्री ध्यान करेंगे। और ये वही शिला है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री पहले भी कर चुके हैं, ये वही शिला जहां पर विवेकानंद ने ध्यान किया था और आज उसी शिला पर बैठकर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान में लीन हैं।